आज हम लोग ऑन ऑफ और वॉल्यूम सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे मोबाइल का ऑन ऑफ और वॉल्यूम सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो कैसे हमें उसको डायग्नोस करना है एंड्रॉइड मोबाइल में। देखिए, तो एंड्रॉइड मोबाइल का ऑन ऑफ और वॉल्यूम का पट्टा होता है वो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लस वाला जो हमारा होता है यानी वॉल्यूम प्लस का, इसकी लाइन में सबसे पहले एक रजिस्टर लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है। माइनस वाला होता है जो वॉल्यूम माइनस वाला, इसकी लाइन में एक रजिस्टर लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है। अगर हम ऑन ऑफ की बात करेंगे तो ऑन ऑफ में हमारे एक रजिस्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक डायोड लगा होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको कैसे डायग्नोस करना है, किस तरीके से हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं। देखिए, जैसे कस्टमर आए आपसे बोले कि हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो ऑन नहीं होने की कंडीशन में उसको ये नहीं पता होगा कि आपके ऑन ऑफ वाले पट्टे पर वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब ऑन ऑफ का पट्टा ठीक है या नहीं है। बेसिकली होगा क्या, जब ये बटन काम नहीं करेगा तो मोबाइल हमारा ऑन नहीं होगा। तो कस्टमर आके हमसे यही बोलता है ज्यादातर कि मोबाइल हमारा ऑन नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट वो प्रॉब्लम नहीं बताएगा। तो ये आपको डायग्नोस करना है कि कैसे हम इसको डायग्नोस करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑन ऑफ वाला पट्टा है इस पर आपको रिवर्स रीडिंग चेक करनी है। रिवर्स रीडिंग आपका, आपको जो ग्राउंड से रखने पर मिलेगी वो 400 से 1600 के बीच में मिलेगी। अगर इतनी रिवर्स रीडिंग आ रही है तो मतलब ये है कि इसका आईसी से हमारा कनेक्शन ओके है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज जो हमारे इस पर मिलते हैं वो 3.7 से 4.2 यानी जो हमारे वीवेट पर वोल्टेज आते हैं वही वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब जैसे सपोज करिए इस पर वोल्टेज नहीं आ रहे, वोल्टेज नहीं आने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी लाइन में लगे हुए रजिस्टर कैपेसिटर और डायोड को चेक कर लें। ज्यादातर ऑन ऑफ वाले बटन पे होता क्या है, जो हमारा डायोड लगा होता है या ये हमारा कैपेसिटर लगा होता है ये खराब हो जाता है। तो आपको ये कंपोनेंट्स मिलेंगे का। देखिए, ज्यादातर होता क्या है कि ये जो भी सेक्शन होता है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे वो इसी के पास में लगे होते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इसके पास हमें कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ऑन ऑफ का आपका कंपोनेंट्स है वो आपको मिलेंगे यहाँ पर, यानी पावर आईसी के पास में। पावर आईसी के पास आपको एक डायोड, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगा हुआ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ऑन ऑफ वाला पट्टा है इससे हम सारे कंपोनेंट्स को बीप करा लेंगे, कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे कि कनेक्टिविटी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अब जैसे कनेक्टिविटी ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये डायोड नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा डायोड शॉर्ट है। अब डायोड की आप बेसिक टेस्टिंग कर लीजिए। तो बेसिक टेस्टिंग करने के बाद में आपने देखा कि ये दोनों साइड से बीप कर रहा है, ये दोनों साइड से वैल्यू दे रहा है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। अब अगर ये डायोड से कनेक्टिविटी भी है, कैपेसिटर भी सही है और रजिस्टर भी आपका सही है, इससे भी कनेक्टिविटी आपकी शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी पावर आईसी है ये वोल्टेज नहीं बना रही है। तो इस कंडीशन पर क्या करना पड़ेगा, अगर इस पर वोल्टेज नहीं आ रहे तो आपको पावर आईसी को अपनी रिवॉल्व करना पड़ेगा। रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके वोल्टेज आने लग जाएंगे। तो ये तो था हमारा ऑन ऑफ वाला। अब हम लोग बात करते हैं हमारे वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस की। देखिए, वॉल्यूम प्लस में एक हमारा रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा होता है और वॉल्यूम माइनस में भी एक रजिस्टर कैपेसिटर लगा होता है। सबसे पहले आप इनकी कनेक्टिंग इस पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, रिवर्स रीडिंग चेक करेंगे। यदि इस पर रिवर्स रीडिंग आ रही होगी तो आईसी से लेकर इसकी लाइन में जो भी कंपोनेंट्स लगे होंगे उनकी कनेक्टिविटी सही है। अब सपोज करिए इस पर रिवर्स रीडिंग आ रही है, इस पर नहीं आ रही है, यानी वॉल्यूम वाला हमारा काम नहीं कर रहा है, तो आप ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है जो इसके पास में लगा होगा। अब अगर इसके कंपोनेंट इसके पास में नहीं मिलते हैं तो फिर आपको इसके कंपोनेंट सीपीयू के पास में मिलेंगे। सीपीयू के पास में आप इसके कंपोनेंट्स को देख लेंगे कि एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, ये देख लें इससे कनेक्टिविटी चेक कराने की ये है कि नहीं। अब सपोज करिए अगर ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर हमारा ये दोनों ओके दिखा रहा है और फिर भी ये बटन हमारा काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारे सीपीयू से इसकी लाइन ब्रेक है। अब आपको यहाँ पर सीपीयू रिकॉल करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए क्या सीपीयू जिम्मेदार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे सीपीयू से होता है। दूसरी बात क्या है, अगर ये खराब होता है तो प्रॉब्लम आपकी 1-2% केसेस में ही सीपीयू से आती है। मतलब ये नहीं ना कि हम सीपीयू से बता रहे हैं तो आप देखें और डायरेक्टली जाके, तो पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इसके शॉर्ट होने से, यानी ये जो पट्टा होता है इसमें शॉर्टिंग आ जाती है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको साफ सफाई कर लीजिए, कार्बन वगैरह देख लीजिए, कार्बन तो नहीं लगा। अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी ये नहीं काम कर रहा तो फिर हम लोग लाइन ट्रेस करेंगे और लाइन ट्रेस करने के बाद में हम लोग
सीपीयू या पावर आईसी तक अपनी पहुंचेंगे। तो प्रॉब्लम को डायग्नोज कैसे करना है सबसे पहले ये समझेंगे, और उसके बाद में कैसे उसको सॉल्व करना है ये करेंगे।